हेलो फ्रेंड्स, ऑल वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ज्योग्राफी में आज हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें जो पढ़ना है वो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स जैसे देखो, ये हमारा पृथ्वी हो गया। फ्रेंड्स इसे मैंने पृथ्वी बना दिया। मान लो कि ये पृथ्वी है और यहाँ से जो हम एक रेखा खींचते हैं इसके बीच से, तो फ्रेंड्स इसे ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये 0 डिग्री होता है। फ्रेंड्स कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विषुवत रेखा कहते हैं। समझ गए हम कि विषुवत रेखा क्या होता है। और इसके ऊपर ये यहाँ जो होता है फ्रेंड्स, ये इसे उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ जो ये होता है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दक्षिणी या फिर दक्षिण गोलार्ध भी, गोलार्ध। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दक्षिण गोलार्ध। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। ये जो बीच से फ्रेंड्स लाइन गया, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। और उसके ऊपर जो जाता है ये उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे जो है फ्रेंड्स, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए मैं फिर अब बताता हूँ आपको। ये हमारा पृथ्वी हो गया था और ये हो गया था क्या? विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये हो गया था फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया था फ्रेंड्स दक्षिणी गोलार्ध। और फ्रेंड्स ये जो होता है ये 0 डिग्री है, इसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर से जो एक लाइन जाता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फ्रेंड्स ये जो जाता है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स 23.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री होता है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कर्क रेखा। और फ्रेंड्स उसके ऊपर से जो एक और लाइन गुजरती है, उसे ये जो गुजरती है फ्रेंड्स, ये गुजरती है फ्रेंड्स, कितनी होती है? ये 66.5 डिग्री होती है, जिसे हम आर्कटिक बोलते हैं। आर्कटिक रेखा क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आर्कटिक क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा बोलते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अब जो नीचे जो ये लाइन जाएगा, नीचे जो ये फ्रेंड्स जाता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नीचे से फ्रेंड्स, ये जो जाता है फ्रेंड्स, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। जो कि कितना होता है फ्रेंड्स? ये होता है 23.5 डिग्री होता है। इसे क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मकर रेखा, मकर रेखा बोलते हैं। ये फ्रेंड्स आपको दिख नहीं रहा, इसे मैं कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या था फ्रेंड्स? कर्क रेखा, आप दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और इसके नीचे भी फ्रेंड्स एक जाता है, पहले मैं इसे ऊपर कर लूँ फिर बताता हूँ। कलर भी चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ में आए फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, इसे फ्रेंड्स हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? अंटार्कटिक रेखा। ये जो फ्रेंड्स अंटार्कटिक रेखा होगा, ये कितना होगा? 66.5 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं एक बार और आपको बताता हूँ ये एक चीज़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स देखो, ये जो मैंने पृथ्वी बनाया था और ये हमारा क्या था? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। और ये जो है,
ये हमारा उत्तरी गोलार्ध था, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध था। और फ्रेंड्स ये जो इधर से इधर जो जाता है इसकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? चांसों की संख्या होती है 90। और ये इधर से जो इधर जाता है इसके चांसों की संख्या होती है 90। और यहाँ जो होता है ये 0 डिग्री होता है। अगर आपको पूछा जाए कि कुल इधर अक्षांशों की संख्या कितनी होती है तो फ्रेंड्स हम कहेंगे 90 प्लस 90 प्लस 1, मतलब टोटल कितने हो गए 181। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं अब जो जिस जिस चीज़ों को बताया है मैंने उसे मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। पहले एक और चीज़ समझ जाते हैं फ्रेंड्स, हम मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। देखो जैसे ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया फ्रेंड्स, पृथ्वी हो गया हमारा, ये हमारा पृथ्वी है फ्रेंड्स। और इस पर से जो रेखाएं ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे 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 जाएंगी फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसे हम अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। अक्षांशीय रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया फ्रेंड। जो सीधा सीधा जाएगा ये अक्षांशीय रेखा होता है। इसके बारे में मैं आगे आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि ये क्या है, अक्षांशीय रेखा जो सीधा सीधा जाती है। और आगे फिर से ये हमारा पृथ्वी हो गया फ्रेंड्स। और ये जो ऊपर से ऐसे है ये आकर यहाँ से यहाँ आकर मिलेगी, यहाँ केंद्र पे आके मिलेगी फ्रेंड्स, उसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, देशांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देशांतर। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। मैं आपको आप फिगर्स के माध्यम से बताता हूँ। मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था ऊपर का जो होता है उसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। यहाँ आपको मैं मेंशन किया होगा, यहाँ जो कर्क रेखा होता है ये मैंने आपको बताया था। कर्क रेखा बताओ कितना होता है, 23.5 डिग्री। भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं ये 0 डिग्री होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया। और फ्रेंड्स मकर रेखा जो नीचे से होती है उसे वो कितना होता है, ये 20.5 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया है इससे पहले। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। ये देखिए इसमें आपको समझ में आ गया, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये भूमध्य रेखा था। और यहाँ से जो हम एक लाइन खींचे थे उसे क्या कहते हम, जो 23.5 डिग्री था फ्रेंड्स इसे हम क्या बोले थे, इसे हम लोगों ने कहा था, जाना था कि ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, क्या जाना था फ्रेंड्स, कर्क रेखा है जो ऊपर से, जो भूमध्य रेखा से ऊपर से गुजरती है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री थी। अब आइए हम आपको, अब हम जानेंगे फ्रेंड्स रेखा को भी हम लोगों ने देख लिया और मकर रेखा को भी हमने जान लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक कॉपी कलम लेकर के आप बैठेंगे फ्रेंड ताकि आप इस क्वेश्चन को लिख सकें। चलिए तो हम जानते हैं अब देशांतर, देशांतर फ्रेंड्स ये जो देशांतर होती है या एक काल्पनिक रेखा होती है, क्या होती है फ्रेंड, ये काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, देशांतर एक काल्पनिक रेखा होती है, इसे नोट करें फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है देशांतर, एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तक खींची जाती है, जो कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। कहाँ खींची जाती है फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती है, जो क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर बोलते हैं फ्रेंड्स। इसे अर्थवृत्त कहा जाता है, देशांतर जो होता है इस फ्रेंड्स इसे क्या बोलते हैं, इसे अर्धवृत्त भी हम बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और आगे इम्पोर्टेंट है, इसे मध्यान रेखा भी कहा जाता है, देशांतर को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, मध्यान, मध्यान रेखा भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यान रेखा भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स अब हम जानते हैं किसके बारे में हम जानेंगे, अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे, किसके बारे में फ्रेंड जानेंगे हम, अक्षांश, अक्षांश। तो चलिए अब हम अक्षांश रेखा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, किसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। यह भी फ्रेंड्स एक काल्पनिक रेखा ही होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, काल्पनिक रेखा ही होती है,
काल्पनिक रेखा ही होती है फ्रेंड्स, ये जो है अक्षांश, ये जो है फ्रेंड्स ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो कि ये सीधी होती है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। और फ्रेंड्स ये 0 डिग्री अक्षांश को ही वृत्तवृत्त कहते हैं, ग्रिल सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ग्रिल सर्कल, सर्कल कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रिल सर्कल कहा जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। दो अक्षांशों के मध्य का जो दूरी होता है फ्रेंड्स, दो अक्षांशों के मध्य का जो दूरी होता है फ्रेंड्स, उसे वो दूरी होता है फ्रेंड्स 111.13 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स। कितना होता है? 111.13 किलोमीटर होता है। और ये जो अक्षांश रेखा है फ्रेंड्स, इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसे समानांतर रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? समानांतर रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? समानांतर रेखा भी बोला जाता है किसे फ्रेंड्स? अक्षांश को। अक्षांशों की कुल संख्या फ्रेंड्स 181 होती है। कितनी होती है? अक्षांशों की संख्या 181 होती है फ्रेंड्स। कितनी होती है? 181 होती है। और अक्षांश वेद की संख्या 179 होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे क्लास में हम जानेंगे कि कर्क रेखा से होकर भारत के कितने राज्य गुजरती है, मकर रेखा वगैरह सारे के बारे में अच्छे से जानेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं फिर से बता दूँ फ्रेंड्स कि आगे हम जानेंगे कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं भारत से, और कई सारे देश भी हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे ट्रिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।